साल 1984, 2 दिसंबर की रात को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में विषैली गैस फूटती है और एक ही झटके में 5,000 लोग मौत की नींद में सो जाते हैं। हजारों की संख्या में लोग उस विषैली गैस से प्रभावित होते हैं और वह गैस त्रासदी एक महाविनाश की एक कहानी बन जाती है। 40 साल से उस विषैले कचरे को दफन किया है उसी फैक्ट्री ने, लेकिन अब उस कचरे को निपटान के लिए पिथमपुर लाया जाएगा। लोकसभा में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि उस विषैले कचरे के निपटान के लिए पिथमपुर की एक कंपनी से करार किया गया है। 126 करोड़ में कचरा पीथमपुर की फैक्ट्री में चलाया जाएगा। इसकी सारी तैयारियां जल्दी होना है। 250 किलोमीटर का सफर तय कर भोपाल से उस कचरे को पीथमपुर में लाया जाएगा। इन सब बातों के बीच पीथमपुर का ये गांव तारापुर एक बार फिर चर्चाओं में है, क्योंकि इसी गांव को उस कचरे का जहर पीना है। 2008 में इसी तारापुर गांव में 40 टन विषैले कार्बाइन फैक्ट्री कचरे को यहाँ पर लैंडफिल किया गया था। उसका जहर आज भी यहाँ की हवाओं में, फिजाओं में, धरती में खुला हुआ है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वहीं पर इस पूरे कचरे को दफन किया गया है। वर्ष 2008 में एक लैंडफिल कर इस कचरे को यहाँ पर दफन किया गया था, और जो अब जो 337 टन कचरा आएगा उसको मेरे पीछे जो भस्मक दिख रहा है उसमें जलाया जाएगा, और इन सब का दर्द यहाँ के लोगों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि कई शहरों ने इस कचरे को जलाने से मना कर दिया, लेकिन पीथमपुर की ये कंपनी चर्चाओं में इसलिए है कि इसने इस कचरे को दफनाने के लिए और जलाने के लिए हामी भरी है। पीथमपुर का तारापुर गाँव एक बार फिर इसी वजह से चर्चाओं में है। यहाँ यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाया जाएगा। 337 टन कचरे को भोपाल से 250 किलोमीटर का सफर तय कर पीथमपुर लाया जाएगा। पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सरकार के साथ इस कचरे के निपटान के लिए करार किया है। जहर को भस्म करने के बदले कंपनी को 126 करोड़ रुपए मिलेंगे। हम आपको बता दें कि वर्ष 2008 में इसी जगह 40 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा दफन किया गया है। उस पहाड़ को प्लास्टिक से अभी ढका गया है और उस पर निगरानी रखी जा रही है। उस पर प्लास्टिक की थैलियां लगाकर रखा गया है। उस कचरे का असर यह है कि उसके आसपास जो आप देख रहे हैं इस समय जो पानी है पूरा काला हो चुका है उस कचरे के कारण, और यहाँ के जो तारापुर गाँव के जो बोरिंग है वो उनका पानी भी पीने योग्य नहीं बचा। आप देख सकते हैं कि 40 टन कचरे के कारण इस गांव को काले पानी की सजा मिली है। यदि यहां पर 300 मीटर कचरा जलाया जाएगा तो यहां क्या हाल होगा। इस गांव का पानी पीने योग्य नहीं बचा है और अब यहां पर धीरे धीरे आबादी भी कम हो रही है। अब देखना यह है कि जिस कचरे को जलाने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात जैसे शहरों ने इनकार किया है, वह कचरा जब पीथमपुर की इस कंपनी में जलाने के लिए लाया जाएगा तो इस पीथमपुर के क्या हालात होंगे। ये जो भोपाल कचरा यहाँ दफन किया गया है, इसके कारण क्या क्या समस्या हो रही है तारापुर गांव में? सभी हो रही है समस्या, पानी का, हवा का, गैस का, सभी हो रहा है। क्या पानी की क्या समस्या है? पानी की समस्या यही केमिकल पी रहा है, काला आ रहा है पानी, काला पानी आ रहा है, पी रहे उसको। अच्छा, पूरा काला पानी आता है? पूरा काला है। कब से समस्या है इसकी? है ये तो बहुत दिन से है, क्या जब से डाला जब से ये है। आप कहाँ से लाते हो पानी पीने का? फिर ये दिक्कत आती है पानी की? दिक्कत आती है तो आरओ का वगैरह बुलाते हैं, ये काला पानी कौन पिएगा? तो ये काला पानी, ये 2008 में जब कचरा यहाँ का दफन हुआ तो उसके बाद की समस्या है या पहले से था पानी? ये अभी बात की हुई है, कचरा दफन होने के बाद से ही सब काला पानी आने लगा है।
कुएं में, बोरिंग में, सब में चला गया पानी, दूरी आया, सभी दूरी पानी की आवक हो गई। खेती में भी, खेती में भी बहुत फसल में नुकसान हो रहा है इस पानी से। नीचे गरीबों का बहुत नुकसान हुआ, पानी जहाँ जा रहा है वो पानी पलटाते हैं, इस पानी का प्रेशर फिर उनके खेतों में घुस जाता है, फसलों का भी नुकसान, फसलों का भी नुकसान बहुत हो रहा है। गाय भैंस मर रही है इस पानी को पी के। आपने कभी शिकायत की यहाँ पे? शिकायत की गई थी मंदिर वालों ने, बाद में फिर कुछ शांत हो गए थे। मैं कुछ दिन रोका था पानी भोपाल कचरे का। अच्छा, और यहाँ पे ये कितने पहले परिवार थे? कुछ परिवार अपना गांव छोड़ के भी चले गए क्या इसके? 10-15 गांव परिवार उनके गाय भैंस थी, पानी पी के मर गई तो गांव छोड़ के चले गए। कुछ लोग हैं अभी 1000-1500 लोग परिवार रह रहे हैं, वो आरओ का पानी पीते, इस पानी से कोई मतलब नहीं रखते। अब यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि फिर 300 टन कचरा यहाँ पे जलाया जाएगा भोपाल का, तो उसके बाद क्या दिक्कत आ सकती है इस गांव में? नुकसान होगा, नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा, पूरा नुकसान ही गांव तारापुर हो जाएगा आसपास। प्राचीन काल का गांव है ये, बहुत पुराना तारपुरा, प्राचीन काल से आ रहा है ये मंदिर। अभी ये कचरे की वजह से काला पानी हो रहा है, कई तरह से मतलब बीमारियां हो रही है, कई जानवर मर गए हैं, कुल में मछलियां मर गई हमारी 10-10 साल पुरानी, पुरानी मछलियां मर गई। अच्छा, कई जानवर मर गए, कोई भैंस वगैरह। ये कंपनी का पानी सब खराब हो रहा है, खराब आ रहा है ये, इतने सालों से कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। ये कंपनी के पानी से मच्छी, पेड़ पौधे सब खराब हो रहे हैं, और क्या इसका समस्या करवाओ। यहाँ पे एक किसान भी है, खेती करता है। हाँ, सब किसान गाँव के ही है। क्या समस्या है यहाँ पर इस पानी में? इससे पानी में क्या है, बच्चे बच्चे नहाते बीमार होते हैं इसमें, वो मना करते जब भी नहाते हैं। अच्छा, तो क्या दिक्कत आई है, कब से आई है दिक्कत, काला पानी यहाँ पे हुआ है? ये पानी कंपनी का आने लगा ना, इससे दिक्कत आने लगी। अच्छा, और क्या क्या दिक्कत आती है खेती में, किसानी में, पौधों में? ये पानी नहीं जाते तो इससे आती, सब ये पानी गंदा है, सब जो फैलता है इससे। पीपमपुर के तारापुर गाँव में 16 साल पहले यूएन कार्बाइड फैक्ट्री का 40 टन कचरा दफन किया गया था। उस कचरे के कारण तारापुर गांव की हालत हम आपको बताते हैं कि कैसी है। ये तारापुर गांव का एक प्राचीन मंदिर है, आप देख सकते हैं कि इस मंदिर के पास से जो एक नदी बह निकलती है उसका पूरा पानी काला हो चुका है। इसके पीछे की वजह यह है कि जो यूरिन कार्बाइड का जो कचरा दफन हुआ है जमीन के अंदर, उसने पूरे पानी को काला कर दिया है। सबसे गंभीर बात यह है, यह जो इलाका है यह इंदौर के यशवंत सागर तालाब का कैचमेंट एरिया है। यह सारा पानी उस तालाब में जाता है और उस तालाब से इंदौर की करीब 5-7 लाख आबादी को पानी सप्लाई होता है। यानी भोपाल के विषैले कचरे का असर इंदौर तक हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि 40 टन कचरे के अलावा 337 टन कचरा यहाँ पर और आना है। भोपाल से जब कचरा यहाँ पर आएगा और उसका निपटान यहाँ होगा तो इस पीथमपुर और तारापुर गांव की हालत सोचिए आप क्या हो सकती है। अमर उजाला के लिए कैमरामैन जयेश मालवी के साथ अभिषेक चैन के पीथमपुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।